जज मत करिएगा कि MBBS डॉक्टर हैं तो इनके एप्रोन कहाँ है, स्टेथोस्कोप कहाँ है, ये चीज एक माइंड में होता है। तो अभी इनकी ड्यूटी जो है वो NICU में लगी हुई है और वहां की ये ड्रेस है। BMS कर रहा हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, हम लोगों ने साथ में 12th किया हुआ है, एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, इन्होंने MBBS किया हुआ है। तो एक गवर्नमेंट ने अभी इशू किया था कि गवर्नमेंट का पे स्केल जो है वो MBBS का भी वही रहेगा, BMS का भी रहेगा। तो कहाँ तक देखते हैं आप MBBS और BMS के, जैसे हम लोग साथ बैठते हैं तो आपके नजरिए से क्या है, BMS वाले कम थोड़ा डॉक्टर होते हैं या आप लोग ज्यादा होते हैं, कोई ऐसा कहीं अंतर है? हेलो एवरीवन, सो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं एक बहुत अच्छा सा एक सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे MBBS के मेडिकल कॉलेज के बारे में कि प्राइवेट से MBBS अगर करते हैं तो उसमें कितनी फ़ीस लगती है, उसके बाद लाइफ कैसी रहती है, क्या गवर्नमेंट से करने में और प्राइवेट से करने में कोई फ़र्क होता है, तो इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लवलेश सचान, जिन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया हुआ है, तो इन्हीं से कुछ बात करते हैं और पूछते हैं कि फ़ीस कितनी लगी, हॉस्टल फ़ीस कैसी है और बाकी लाइफ कैसी है कॉलेज की। तो थोड़ा सा इंट्रो पहले आप अपना दे दें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लवलेश सचान है, मैंने 2016 बैच में रामा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, इसके बाद मेरा MBBS 2022 में ख़त्म हुआ था। इस समय मैं GSUM मेडिकल कॉलेज के LLR अस्पताल यानी कि हेलेट में जॉब कर रहा हूँ एज ए नॉन PG जूनियर रेजिडेंट। जैसा कि भाई ने बताया कि एडमिशन जो मैंने लिया था उस समय फ़ीस तो हम लोगों की उस समय अलग थी, अब इस समय अलग है। जब मैंने लिया था तब तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस थी 70 लाख रुपए और इस समय है कि इतना मुझे आइडिया नहीं है इस समय का। उस समय फर्स्ट ईयर की 17 लाख थी और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स फिर 13 लाख फ़ीस थी हम लोगों की, और जिसमें हॉस्टल फ़ीस 2 लाख थी इंक्लूडेड थी उसी में फीस का। तो ये था ओवरऑल कितना लग जाता है आपके हिसाब से? जैसे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेडिकल मतलब प्राइवेट से करने का मतलब 1 करोड़ रुपए। नहीं, यहाँ पे हमारे कॉलेज में लगभग 70 से 80 लाख रुपए के फीस में अप्रॉक्स लगा था। 1 करोड़ नहीं पहुँचता है, मैक्स सब मिला के 80 लाख के 75 के आसपास खत्म हो जाता है सब कुछ। कोई अलग से चार्जेस जैसे इंक्लूडिंग आपकी फ़ीस हो गई, हॉस्टल फ़ीस हो गई, इसके अलावा कोई चार्जेस के प्रैक्टिकल के अलग लग रहे हैं, सप्ली आ गई तो उसके अलग देने पड़ेंगे, तो ये सब भी तो इंक्लूड होगा, तो ओवरऑल 1 करोड़ पहुंच जाता है या नहीं पहुंचता? ओवरऑल अगर आपकी सप्ली भी लगती है तो 30,000 लगते हैं पर सब्जेक्ट के, मैक्स टू मैक्स कितना भी अगर जितने भी सप्ली है खाएंगे तो 80 लाख में ख़त्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पहुँचेगा। चलो अच्छा है, मतलब 80 लाख रुपए आपको देने होंगे अगर आपको MBBS करना है प्राइवेट से, ये रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में है। वहाँ की फीस है अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी कर सकते हैं, जैसे साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर अलग चार्जेस होते हैं, तो हर स्टेट का अपना अलग चार्जेस है, लेकिन एवरेज जो है आपका 80 लाख से 1 करोड़ के बीच होगा। एग्जाम फीस लगता है 70,000 रुपये पर ईयर का एग्जाम फीस लगता है, सप्ली का अलग होता है। अच्छा, सप्ली का अलग आपको लगेगा, लेकिन अगर आई जिसकी नहीं आती उसका नहीं लगेगा। और बाकी जो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि लाइफ कैसी होती है, मतलब जितना लोगों के दिमाग में है कि MBBS कर लो तो एकदम लाइफ सेट रहती है, क्या ऐसा कुछ होता है या कुछ नहीं? वो जमाने तो चले गए जो लाइफ सेट है, अब आजकल तो बहुत स्ट्रगल है। आप गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट से करें सबके लिए बराबर होता है, कोई अंतर नहीं होता है। आपको जॉब मिलेगी शुरुआत में तो अभी परमानेंट जॉब तो मिल नहीं रही है, तो संविदा वाली ही जॉब मिलती है आपको, करना पड़ेगा उसके बाद PG की तैयारी के लिए, उसमें आपका करियर ग्रोथ अच्छी होगी। एज MBBS आजकल उतना नहीं रह गया है। कुछ फ़र्क होता है जैसे आप किसी के साथ बैठे हैं वो गवर्नमेंट से करके आया है MBBS, आपने प्राइवेट से किया, तो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है कहीं पर, कोई अंतर? वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लोग गवर्नमेंट में होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, कुछ प्राइवेट में होते हैं उनको बहुत नॉलेज होता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वो शुरुआत की बात अलग होती है, जब 12th करते हैं तैयारी करते हैं तो उसमें जो लोग अच्छा पढ़ लिए गवर्नमेंट मिल जाता है, नहीं पढ़े तो
उसमें हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आपने 5 साल कितनी मेहनत करी है। आप तैयारी तो केवल 1 साल करते हैं 2 साल करते हैं, लेकिन जो पढ़ाई आप MBBS करते हैं तो टोटल 5.5 साल करते हैं, उस पर आपका नॉलेज डिपेंड करता है आपने 5 साल क्या किया वहाँ पर। और कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट में मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं समय जॉब कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट भी देखता हूँ तो उनको भी लगता है कि इससे अच्छे तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट थे। लेकिन कुछ लोग मिलते हैं उनको बहुत नॉलेज होता है, तो लगता है कि हाँ वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो जैसा कि ये जॉब कर रहे हैं, कानपुर का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है हैलट, कॉमन नेम है जिसे हैलट के नाम से जानते हैं, वैसे LLR हॉस्पिटल है, लाला लाजपत राय है, बहुत फेमस है, बहुत भीड़ आती है, इतनी कि शायद आपको सांस लेना मुश्किल पड़ जाए। इतने पेशेंट आते हैं यहाँ हर दिन, तो वहीं ये जॉब करते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है गवर्नमेंट से करके आने में, प्राइवेट से करके आने में, डिपेंड करता है आपने कॉलेज में नॉलेज कैसी ली है, वहाँ पर पढ़ाई कैसी की है। जैसे ये बोल रहे हैं कि कई बार हमें गवर्नमेंट वालों को देख करके ऐसा लगता है कि इनसे अच्छे तो हमारे यहाँ के कॉलेज थे, तो ये डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कैसी करी है उस बात पर। और जैसे कि अगर प्राइवेट में MBBS का कुछ कट ऑफ रहता होगा ना, कि अगर MBBS लेना है तो इतने नंबर पर आपको मिलेगा, हर साल चेंज होता रहता है ये कट ऑफ, हर साल चेंज होता रहता है। जैसे इस समय मेरे एक नोन थे, उनको उनके बच्चे का एडमिशन आया था तो उसे 350 नंबर थे, तो उसको रामा नहीं मिला था। अच्छा, 350 ऊपर होना हाँ, चाहिए। हाँ सर, नीट नीट में, नीट UG में हर साल ये चेंज होता रहता है, क्योंकि रामा इस समय थोड़ा अच्छे नंबर पे, मतलब सीटें फुल हो जाती है उसकी इस समय। ठीक है, तो नीट में अगर आपके 400 के अराउंड नंबर हैं या 400 से ऊपर हैं तो ही आपको प्राइवेट MBBS मिलेगा, क्योंकि रामा बहुत अच्छा कॉलेज है। तो ऐसे 300 350 में आपको MBBS प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा वैरी करता है, हर स्टेट का अपना अलग अलग कट ऑफ होता है, उस हिसाब से वैरी करता है। तो और कुछ जानते हैं कॉलेज की लाइफ वगैरह कैसी है? कॉलेज की लाइफ तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत अच्छी है, हर चीज़ की सुविधाएं हैं, सारे चीज़ का, मतलब स्पोर्ट्स वालों के लिए स्पोर्ट्स का है, कल्चरल वालों के लिए कल्चरल, सब कुछ अवेलेबल रहता है वहाँ पे। और आप जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं तो उसका आगे खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है वहाँ की। अच्छा, और कोई इस बात से लाइफ में कभी इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ या नीट में कम मार्क्स आए हैं, तो आज कभी रिग्रेट होता हो इस बात का, या कभी ऐसा आता हो कि काश हमने बहुत अच्छे नंबर लाए होते, इस बात से कोई फर्क पड़ता है? आज आप डॉक्टर हैं, MBBS कर चुके हैं, तो इस बात का कहीं रिग्रेट होता है? नहीं, रिग्रेट तो सिर्फ इतना ही होता है कि प्राइवेट से करने के बाद पैसा जो हमारे इन्वेस्ट हुए उस चीज़ का रिग्रेट होता है, बाकी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता है मुझे तो। अच्छा, मेन तो बाकी कोई लाइफ में कोई अंतर नहीं आया कि बहुत ज़्यादा अंतर पड़ रहा हो, बस केवल ये होता है कि वो प्राइवेट से करते हैं आपको पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, वो उस चीज़ का रिग्रेट होता है कि अगर थोड़ा सा अच्छा पढ़ लिया होते तो पैसा ना खर्च हो रहा होता है। क्योंकि मेहनत वहाँ पे आप प्राइवेट से करेंगे वहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मतलब नहीं होता है कि आपने प्राइवेट में लिया है तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कि आप बिना पढ़े कुछ कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप पास ही नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पास कर दिया जाए। मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, चाहे गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से हो, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो सब बराबर होते हैं एग्ज़ाम सब जगह। चलिए, तो मेहनत आपको बराबर करनी ही है, फिर आप कहीं से भी करें, प्राइवेट से करें, गवर्नमेंट से करें, बस फर्क सिर्फ इतना आता है कि पैसों का। यहाँ आपके 80 लाख लग रहे हैं, वहाँ हो सकता है आपका 80,000 में हो जाए, है ना? हाँ, तो बस पैसों का फर्क होता है, बाकी नीट के मार्क्स से आपका कहीं रिग्रेट नहीं होता लाइफ में आगे जा करके। पढ़ना सबको पड़ता है, जॉब सब बराबर ही करते हैं, नौकरियाँ भी आगे लगती हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइफ कैसी होती है, MBBS भी कर लिया, आज आप डॉक्टर भी हैं, प्रैक्टिस भी खूब अच्छी कर रहे हैं, अब उसके बाद लाइफ कैसी है? जैसे लोग ऐसा बोलते हैं कि एक बार सिलेक्शन हो जाए तो पूरी जिंदगी बहुत अच्छी है, आराम से कट जाएगी, लोगों का एक सोचना होता है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप बहुत अच्छे होंगे, तो क्या वाकई में जो एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कोचिंग इंडस्ट्री में कि एक बार बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो फिर जिंदगी में सब वाह वाह है, कैसा होता है या कुछ और? इल्यूजन हम लोगों को बचपन से दिखाया गया था कि जो हम लोग देखते हैं, जो सीनियर डॉक्टरों को देखते हैं जो बहुत अपने इस मतलब फील्ड में 20 सालों से लगे हुए हैं, हम लोग उनको देखते हैं, उनको कंसिडर करते हैं कि ये डॉक्टर हैं। लेकिन जो शुरुआत में आज के ज़माने में जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, MBBS करके निकल रहे हैं, तो उनको शुरुआत में स्ट्रगल है। आपको 60-70 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाएगी लेकिन उसमें आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे अपने फील्ड वालों के ही जो बहुत आगे पहुंच चुके हैं, वो कमा रहे हैं महीने के 10 लाख रुपये कमा रहे हैं, उनको आपको देख लगेगा कि आप कुछ नहीं उनके सामने। तो शुरुआत में तो इतना कुछ नहीं लगेगा आपको, सबको लगेगा कि इल्यूजन ही है, आपको शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब MBBS करने के बाद भी आपको स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल करना है, आपको अभी नीट PG के एग्ज़ाम दे के आपको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके आप PG कर गए, उसके बाद आपकी लाइफ शुरुआत होती है, स्ट्रगल वहाँ भी है अभी। अच्छा, और एक और क्वेश्चन मैं बात करना चाहूँगा, जैसे मैं BMS कर रहा हूँ,
मेरा फ्रेंड है, हम लोगों ने साथ में ट्वेल्थ किया हुआ है, एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, इन्होंने MBBS किया हुआ है। तो एक गवर्नमेंट ने अभी इशू किया था कि गवर्नमेंट का पे स्केल जो है वो MBBS का भी वही रहेगा, BMS का भी रहेगा। तो कहाँ तक देखते हैं आप MBBS और BMS के, जैसे हम लोग साथ बैठते हैं तो आपके नज़रिए से क्या है, BMS वाले कम थोड़ा डॉक्टर होते हैं या आप लोग ज़्यादा होते हैं, कोई ऐसा कहीं अंतर है? नहीं नहीं, ऐसा कोई अंतर नहीं होता है। हम लोग कॉलेज में बहुत सारे BMS वाले जो हम लोग सीनियर थे, उन्होंने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। ऐसे जो EMO होते हैं हमारे कॉलेज में, बहुत सारे लोग सब BMS वाले ही थे, उन्होंने हम लोगों को सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, थैंक यू। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप BMS करेंगे तो आप लो लेवल पे रहेंगे, MBBS करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना, कितने अच्छी आपने प्रैक्टिस करी है, हाँ कितना अच्छा आपका नॉलेज है, तो ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं आप कहीं भी सिटी में देखेंगे, सबके ICU में आप जाएंगे, वहाँ पर जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर होता है वो BMS वाले ही होते हैं ज़्यादातर। सब जगह आपको आपको इतने नॉलेजेबल लोग मिल जाएंगे वहाँ पे कि हर चीज़ आती होगी, इतना एक MBBS ग्रेजुएट को नहीं आती होगी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनको कब से काम कर रहे हैं, कब से उनको उन्होंने सीखा है, उस पर डिपेंड करता है। वो अच्छे, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइन में वो लोग भी। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो इनकी ड्रेस से जज मत करिएगा कि MBBS डॉक्टर हैं, तो इनका एप्रॉन कहाँ है, स्टेथोस्कोप कहाँ है, ये चीज़ एक माइंड में होता है। तो अभी इनकी ड्यूटी जो है वो NICU में लगी हुई है और वहाँ की ये ड्रेस है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप इनका हॉस्पिटल में ही रखा हुआ है, डेली कैरी करने से कोई फायदा नहीं है, जाना तो वही है, तो इन्होंने वहाँ की ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि क्या पहना हुआ है। और इसके साथ अगर आपके कोई और भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है एक बच्चे का जितना नॉर्मल डाउट होता है कि नीट में कम मार्क्स आए हैं तो अब क्या करें, MBBS करें, BMS करें, या MBBS बहुत अच्छा होता है, BMS थोड़ा ऐसा होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और इसी के साथ बाकी अगर आपके कोई डाउट हैं या कभी आपको कोई क्वेश्चन करना है तो मैं डॉक शॉप का नीचे इंस्टा का लिंक दे दूंगा। पर्सनली अगर आपको रामा ही लेना है और अगर कोई डाउट है तो आप डॉक शॉप से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू आप सभी का, और थैंक यू आपसे भी बात करके अच्छा लगा।